मन्ये स्वागत पूर्वस्तरं पुरस्तरं आसन ग्रहणार्थम अहम् ताहा निवेदये एवमेव अस्माकम् अद्य सम्माननीय अतिथिरु अध्यापनं चक्रुः इदानीमपि अस्मिन् विश्वविद्यालये लक्षशः छात्राः संस्कृतशास्त्राणां ज्ञानं कुर्वन्तु जब मैंने पढ़ा खास करके वाल्मीकि रामायण का दीक्षणार्थ संस्करण तो उसमें मुझे रावण का एक सकारात्मक पक्ष निकला और वहाँ से मैंने कहा कि इसके भाई अगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो मैंने इसके सकारात्मक पक्ष को प्रकाशित करने का प्रयास किया। तिवारी जी आप कहते हैं कि अगर रामायण से रावण को निकाल दिया जाए सर, तो रामायण नहीं है जी। अगर इसमें से राम के करेक्टर को निकाल दिया जाए तब रामायण का क्या महत्व है? नहीं सर, रामायण की जो धुरी है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें ये राम और रावणी है। रावण है कौन? रावण भगवान विष्णु का द्वारपाल जय है जो शाप वशात राक्षस रूप में आया और उसके मुक्ति के लिए ही राम भी आया। अगर बेटा कोई गलत काम करता है तो पिता का या माता का जो कर्तव्य बनता है कि उसको सुधारे। तो वो जो मृत्यु लोक में आया उसकी मुक्ति के लिए रामावतार हुआ। और इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद मुझे प्रेरणा मिली कि भाई इसके सकारात्मक चरित्र को भी प्रकाशित करना चाहिए। और अगर आप ये माइक बंद करें तो मैं कुछ बात बोलूं।